अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पदों के लिए चुनाव जल्द होने वाले हैं। प्रशासन ने आयोग से आए दिशा निर्देशों के अनुसार चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। नामांकन के दौरान दावेदारों को आपराधिक एवं संपत्ति की जानकारी नामांकन पत्र में देनी होगी। आयोग ने इसके लिए प्रोफार्मा जारी किया है। ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवारों को प्रोफार्मा रूपी घोषणा पत्र में ही सारी जानकारी देकर जमा करना होगा। प्रधान, बीडीसी और डीडीसी के दावेदारों को निर्धारित प्रोफार्मा को शपथ पत्र पर लिखकर और नोटरी करा कर देना होगा। एक दावेदार अधिकतम 4 सेट में ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकेगा। ऐसे में आपको ये भी जानकारी देनी होगी कि क्या किसी मामले पर आप पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है। यदि दर्ज हुआ है तो उसकी जानकारी देनी होगी। बताना होगा कि मुकदमे में सजा तो नहीं हुई है। संपत्ति का पूर्ण ब्यौरा भी लिखकर देना होगा। चल अचल संपत्ति के साथ बैंक बैलेंस व हाथ में नकदी की जानकारी भी देनी होगी। शैक्षिक योग्यता के साथ जात का भी उल्लेख करना होगा। यदि आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी देना होगा। बिजली, फोन समेत अन्य सरकारी सेवाओं का बकाया होने या न होने की जानकारी देनी होगी। साथ ही नो ड्यूज का प्रमाण पत्र भी देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यू न्यूज़।